बात कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा के प्रति आकर्षण क्यों है भारत में। अब हमने देखा अब तक जो भारत में ईंधन संबंधी क्या विशेषताएं हैं, हमने देखा जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी विकास भारत में क्या क्या हुआ है, डीएई की इसमें कहां भूमिका है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरा पॉइंट है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनपीपी में बृहद मात्रा में मंदक के रूप में तथा शीतलक के रूप में, मंदक तथा शीतलक के रूप में मंदक की आवश्यकता पड़ती है। पीएचडब्ल्यूआर प्लांट जो हमारा है उसमें मंदक की आवश्यकता पड़ती है। लाइट वाटर रिएक्टर तथा पीएचडब्ल्यूआर प्रकार के दोनों ही प्रकार के रिएक्टर में सीएल शीतलक की आवश्यकता, कूलेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो मंदक तथा शीतलक के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो है H2O, D2O, इनका उपयोग किया जाता है, यानी कि साधारण जल तथा भारी जल का, यानी जल का उपयोग किया जाता है मंदक तथा शीतलक के रूप में। तो निश्चित रूप से हम पावर प्लांट जब लगाने लगेंगे तो इस एस्पेक्ट पर विचार करेंगे जो जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो। भारत ही नहीं, विश्व में जहां भी देख लीजिएगा जल की उपलब्धता होगी वहीं ही यह पावर प्लांट बनेगा स्वाभाविकतः। इस संदर्भ में हम विचार करें तो भारत में क्या स्थिति है, तो यहां पर हम कहें जब जल की उपलब्धता भारत में दोनों ही स्रोतों से अर्थात स्वच्छ जल भी, मीठे जल भी, फ्रेश वाटर भी उपलब्ध है और समुद्री जल भी उपलब्ध है, मीठा जल है, तथा समुद्री जल, यानी आंतरिक भाग में भी जल की उपलब्धता है, आंतरिक भाग में भी जल की उपलब्धता है तथा तटीय भाग में भी। अब इस दोनों की दृष्टि से विचार किया जाए तो देखिएगा जब भारत में मीठा जल के यही दोनों स्रोत हैं, आंतरिक भाग में प्रायः नदियों के ऊपर बांध बना करके। आंतरिक भाग के हमारे संयंत्र के उदाहरण कौन कौन है, रावतभाटा, काकरापारा, नरोड़ा, ये हमारे आंतरिक भाग के संयंत्र के उदाहरण है। अब यहां पर इस काकरापारा, रावतभाटा या नरोड़ा में यहां पर बांध बना करके नदियों पर बांध बना करके उसके पीछे जो जलाशय हैं उन जलाशय से इसको जल की आपूर्ति की जाती है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट की जल की आपूर्ति यह जो नदी है इस नदी पर बांध बना करके किए जाते हैं। जैसे हमने कभी कहा था जो नरोड़ा का संयंत्र गंगा नदी पर नरोड़ा बांध बना करके उसको जल की आपूर्ति बुलंदशहर जिला में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसी तरह उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं नरोड़ा संयंत्र नरोड़ा बांध के ऊपर है, नरोड़ा बांध के पास बना हुआ है, नरोड़ा संयंत्र लगा न्यूक्लियर पर, नरोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी के बगल में लगा हुआ है गंगा नदी पर बुलंदशहर जिला में, हम बांध बना करके इसको किए हुए हैं। उसी तरह रावतभाटा संयंत्र हमारा, हमने कभी कहा था कोटा बांध कहां, किस नदी पर, चंबल नदी पर कोटा बांध बना करके। फिर उसी तरह हम बात करें काकरापारा, तो काकरापारा में भी हमने किस नदी पर, ताप्ती बांध तथा उकाई बांध से इसको जल की आपूर्ति होती है। अब हम कह सकते हैं जो आंतरिक भाग में भी भारत में पर्याप्त जल उपलब्ध है, यानी आंतरिक भाग में भी भारत में शीतलक तथा मंदक के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध है, एज द सेम टाइम जो समुद्री भागों में भी पर्याप्त जल, समुद्री जल उपलब्ध होते हैं शीतलक तथा मंदक के काम करने के लिए। तो इस भाग से भी ज्यादा एडवांटेज इस भाग में है, यानी समुद्री भाग में का एडवांटेज ज्यादा है इन कंपेरिजन टू यह आंतरिक भाग के। क्यों,
अब समुद्री भाग के बारे में बात करें तो समुद्री भाग की क्या विशेषता है भारत में, जो लंबा तट रेखा है, लंबी तट रेखा है भारत में, तट रेखा है करीब 6100 किलोमीटर की मुख्य भूमि की तट रेखा है। यदि हम द्वीप समूह भी जोड़ देते हैं तो 7500 किलोमीटर के आसपास हमारी लंबी तट रेखा है, यानी कि हम भारत का मैप बना करके इसको दिखा सकते हैं। यहां से लेकर के यहां तक क्या है, हमारा पश्चिमी तट है, और यहां से लेकर के यहां तक हमारा बंगाल तक पूर्वी तट है। तो यहां से लेकर के यहां तक, यानी ए इसको बी मानिए, या आप ऐसे कहिए इसको वेस्ट, यह वेस्ट है और यह क्या है, ईस्ट है। यह डब्ल्यू प्लस ई मिल करके हमारे पास 6100 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है, और इसी तटरेखा के सहारे आपको पता होगा यहां पर तारापुर में संयंत्र हैं, फिर उसके बाद कैगा में यहां पर संयंत्र है, फिर यहां पर कुडनकुलम में संयंत्र है, फिर यहां पर मद्रास तथा क्या कुडनकुलम में संयंत्र है, यानी इन जगहों पर हमारे तटीय क्षेत्र में भी संयंत्र लगे हुए हैं। और तटीय क्षेत्र पर चूंकि यह लंबी तटरेखा नौ केवल जल की उपलब्धता की दृष्टि से समुद्र के एडवांटेज कहें तो यहां पर नौ केवल लंबी तटरेखा उसको जल की उपलब्धता, समुद्री जल की उपलब्धता देखता है, बल्कि अन्य एडवांटेज इसके अपेक्षा यहां एडवांटेज ज्यादा है। अब क्या क्या एडवांटेज हैं, केवल नौ की जल की उपलब्धता की दृष्टि से अन्य एडवांटेज भी है इस लोकेशन के। साथ ही साथ यहां पर यदि कुल क्षेत्र के रूप में देखें तो भारत का समुद्री सीमा 200 नॉटिकल माइल तक है, यानी यहां से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक तो आपका भारत का समुद्री क्षेत्र है, अपना समुद्री क्षेत्र है, जिसमें भारत जो मन चाहे सो कर सकता है। वहीं पर यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक करीब 200 नॉटिकल माइल तक भारत का अपने तट से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक भारत का क्या है, 200 नॉटिकल माइल तक भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। इसमें कुल क्षेत्रफल लगभग आ जाता है 2 मिलियन किलो या 20 लाख वर्ग किलोमीटर, किसका, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत। पुनः तट से 12 किलोमीटर तक भारत की क्या है, 12 किलोमीटर तक तट से 12 किलोमीटर तक भारत की अपनी भूमि है। यहां कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तथा यह 12 नॉटिकल माइल के बीच अंतर यह है जो यहां पर कुछ सीमित प्रतिबंधों के साथ संसाधनों का दोहन कर सकता है, जबकि यहां पर यह जो 12 नॉटिकल माइल का है यहां पर भारत जो मन सो करे, वह भारत का अपना क्षेत्र के अंदर अपना समुद्री क्षेत्र है, जिस तरह का एक्टिविटी करना हो भारत कर सकता है, उसके लिए भारत को किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी और न ही किसी अंतरराष्ट्रीय संधि का हवाला लेने की जरूरत है। स्वाभाविकतः हम कहेंगे जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र का लंबा होना भी एक कारण है जो भारत यहां पर अपनी गतिविधि को चला सकता है। साथ साथ लंबी तटरेखा का होना यह न केवल समुद्री जल के उपलब्धता को बतलाता है, बल्कि इन चीजों को भी बतलाता है। किन किन चीजों को बतलाता है, जो यहां पर इस लोकेशन का समुद्र तटीय लोकेशन का लाभ केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि हम उसके जल का उपयोग कर सकते हैं, अन्य एडवांटेज भी है। जैसे हमने कभी कचरा निपटान में चर्चा की थी, अपशिष्टों का निपटान में सुविधा होती है, डिस्पोजल में, यानी रेडियो सक्रिय अपशिष्टों का निपटान गहन समुद्रों में जाकर के उसके अगाध गहराइयों में हम स्टील तथा कंक्रीट से बने हुए
जो केज होते हैं उसमें डाल करके उसको करते हैं, तो वहां तक पहुंचाने, यदि यह तटीय लोकेशन पर है तो यहां तक ले जाना आसान है, यानी कचरों को ढोने में कम मेहनत होगा, कम समय लगेंगे, कम लागत आएगा, एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, भारत अपने ईंधन संबंधी देखेगा तो वह संबंधी भी भारत को एडवांटेज मिल जाएगा, यानी कि भारत को इस जगह पर, यहां पर आयात और निर्यात, आयात की सुविधा है, निर्यात नहीं, आयात की सुविधा है। आयात की सुविधा किस आयात की सुविधा, मुख्यतः भारत यूरेनियम क्या क्या करता है, आयात करता है, हमने पहले चर्चा की है, जो कम है भारत के पास, तो भारत के जितने संयंत्र हैं 7 संयंत्र अधिकतर यूरेनियम के आयात पर निर्भर रहते हैं, तो यूरेनियम के आवात यानी ईंधन के आयात में सुविधा होगी। दूसरा, संयंत्रों एवं पाटपुर्जों, संयंत्रों एवं पाटपुर्जों को आयात के एडवांटेज मिल जाएगा कोस्टल लोकेशन के कारण। इसके साथ ही और एडवांटेज होंगे, जो भारत में यह यूरेनियम तो अभी का ईंधन है, भविष्य का ईंधन क्या है, थोरियम, और थोरियम कहां पर मिलता है, तटीय क्षेत्र के बालू में, यहां पर इन तटीय क्षेत्र के बालुओं में, खास करके मालाबार तट पर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, मालाबार तट, यह मालाबार तट है हमारा, यहां से यहां तक जो तट हम दिखा रहे हैं केरल का तट, यह मालाबार तट है, इससे उत्तर कोंकण का तट है, इससे उत्तर गुजरात का तट है, तो यहां पर मालाबार तट पर स्पेशली यहां से यहां तक इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसका, मोनाजाइट का, वैसे मिलने के लिए इस तट पे भी मिलते हैं यहां पर, यह उत्तरी सरकार का कोरोमंडल का जो तट है हुआ, और फिर यह उत्तर में जो उत्तरी सरकार का तट या उत्कल का तट जो कहते हैं, उन दोनों ही क्षेत्रों में मिलते हैं, लेकिन इसका सर्वाधिक कंसंट्रेशन यहां पर है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक कंसंट्रेशन यहां पर है। इसके अलावा कोंकण तट पे भी मिलते हैं, गुजरात तट पे भी कुछ हद तक कहीं कहीं मिलते हैं। इसको इस तरह दिखाइए, यहां पर यूरेनियम थोरियम की उपलब्धता हो पाए, सॉरी थोरियम यानी भविष्य का परमाणु का ईंधन, परमाणु ईंधन है थोरियम, और यह निकलता है किससे, मोनाजाइट से, और मोनाजाइट कहां पर मिलता है, तटीय बालू में, तटीय क्षेत्र के बालू में यह मिलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट के रूप में है, तो तटीय क्षेत्र के बालू में जब यह मिलेंगे तो स्वाभाविकता यहां पर इसका उपयोग कर पाना हमारे लिए आसान होगा। यदि हम इसी जगह पर संयंत्र लगाते हैं, इन्हीं जगहों पर संयंत्र लगाते हैं, और इन्हीं जगह पर हमको ईंधन मिलता है, इन्हीं जगह पर मंदक शीतलक सारा कुछ उपलब्ध होता है, तो स्वाभाविकता यह इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का खर्चा कम हो जाएगा, यानी कि उस बिजली के लागत में कमी आएगी, उस स्थिति में सस्ता बिजली उत्पादन होगा। तो लोकेशन संबंधी ये अवशिष्टों के निपटान में, आयात में यूरेनियम के आयात में परमाणु ईंधन प्रमुख यूरेनियम है, संयंत्रों में प्रायः LWR प्रकार का संयंत्र भारत आयात कर रहा है, उस LWR प्रकार के संयंत्र में, इन संयंत्रों के पाटपुर्जों के आयात में, यह बाहरी देश से शिप के द्वारा आसानी से समुद्री परिवहन के द्वारा पहुंच सकते हैं, और साथ ही साथ तटीय क्षेत्र के बालू से थोरियम जो निकलेगा उसका उत्पादन भी भारत कर सकता है, यानी कि बहुविध तरीके से न केवल जल की उपलब्धता बल्कि इनके लाभों के कारण ही भारत को, इन लाभों के कारण भारत को परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए, इन एडवांटेज के कारण। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, न केवल जल की उपलब्धता भारत में है बल्कि हम चर्चा करेंगे भूमि के उपलब्धता के संदर्भ में भी, भूमि की उपलब्धता के संदर्भ में क्या एडवांटेज है, भारत को क्यों यह लगाना चाहिए, भूमि की उपलब्धता के संबंध में क्या कहेंगे। वहां तो जल के उपलब्धता के संबंध में हम कह रहे थे, जो जल की पर्याप्त मात्रा दोनों ही स्रोतों से भारत को उपलब्ध है, अर्थात आंतरिक भाग में भी या बाहरी भाग में, लेकिन इसके बारे में हमको कह रहे हैं जो भूमि की उपलब्धता निगेटिव अर्थ में कहे हैं, जो भूमि की उपलब्धता भारत में एक समस्या है, उपलब्धता
की समस्या है भारत में। क्यों, कैसे? इस आधार पर जो भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता बहुत कम है, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता कम होना और उसमें भी एग्रीकल्चरल लैंड जो है, एग्रेबल लैंड, वह भी प्रति किसान कम है। हमने पहले भी इकोनॉमी वाले क्लास में चर्चा किया है जो भारत में यह सब स्थिति है। फिर उसके बाद स्थिति आती है जो भूमि भारत में संस्कृति का विषय है, भूमि मान सम्मान का विषय है, भूमि से लोगों को भावनात्मक लगाव होता है। तो इस कारण जब भी भूमि अधिग्रहण की बात आती है, जैसे कि हमने उदाहरण के रूप में दिया था जैतापुर के संयंत्र, मीठी वर्दी के संयंत्र, इन संयंत्रों के लिए जब भूमि ऑक्युपाई करने की बात आती है तो लोगों का विद्रोह शुरू हो जाता है, लोगों का आंदोलन शुरू हो जाता है, लोग भूमि नहीं देना चाहते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे जो भारत में भूमि उपलब्धता एक समस्या है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारी खाद्य सुरक्षा के देखते हुए हम एग्रीएबल लैंड पर यह सब काम नहीं कर सकते हैं। यदि हम यह ऐसे इस प्रकार के संयंत्र लगाएंगे तो हमारा कहीं एग्रीकल्चरल लैंड जाएगा। इसके साथ ही साथ हम यहां पर चर्चा करेंगे जो प्रति किसान भूमि कम है, मात्र 0.03 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग साइज है। अब इसके अलावा अब बात यह पर करेंगे, भावनात्मक लगाव है भूमि से, सांस्कृतिक पहलू है इसका, मान सम्मान का प्रतीक होता है, सांस्कृतिक पहलू है, मान सम्मान का प्रतीक है भूमि। जिसके पास जितनी भूमि वह ग्रामीण संस्कृति में उतना ही ताकतवर माना जाता है, उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। तो स्वाभाविकतः ये सारे एस्पेक्ट आएंगे, इसके कारण भूमि अधिग्रहण एक समस्या रहेगी। अब यहां पर हम कहेंगे जो चूंकि भूमि अधिग्रहण समस्या है तो हम वैसे ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देंगे, इन लिमिटेशंस के कारण हम वैसे ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देंगे जिसमें भूमि की खपत कम हो, और यह परमाणु ऊर्जा उन स्रोतों में है से जिसमें भूमि की उपलब्धता की कम आवश्यकता पड़ती है। इन कंपेरिजन टू दूसरे पावर, या तो हम सोलर पावर प्लांट के लिए कहें या फिर हम कोयला आधारित संयंत्रों के लिए, इसमें बृहद भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम लैंड पर पावर प्लांट लगाने के लिए चले जाएं, कोयला आधारित पावर प्लांट या फिर सोलर पावर प्लांट, एक हमारी ऊर्जा स्रोत है जिसमें हम सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं, कोयला आधारित पावर प्लांट, उसके संदर्भ में हम देख लेते हैं जो कोयला आधारित तापीय संयंत्र, यदि हम लगभग 200 मेगावाट का इस प्रकार का संयंत्र लगाते हैं, कोयला आधारित तापीय संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट, तो हमको औसतन भूमि की आवश्यकता लगभग 250 एकड़ की पड़ती है। 250 एकड़ की भूमि की आवश्यकता पड़ती है भिन्न भिन्न कामों के लिए, संयंत्रों को लगाने के लिए, कोयला के स्टोरेज के लिए आदि कामों के लिए, फिर निकला वाला जो आइस फ्लाई ऐश है उसको रखने, सारे कामों के लिए हमको लगभग 250 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इतना ही क्षमता का 200 मेगावाट का ही एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाएं तो इसके लिए भूमि की आवश्यकता मात्र 60 एकड़ पड़ती है, यानी इसके अपेक्षा एक चौथाई से भी कम भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार के पावर, यानी कि लगभग 3/4 हमारी इस प्रकार के संयंत्र जब लगाएंगे तो कोयला आधारित तापीय संयंत्र के अपेक्षा 3/4 भूमि की हमारी बचत होगी, भूमि की बचत होगी। इन कारणों से हमको भूमि को बचाना है, तो यहां पर यह भूमि की बचत हो रही है। तो यहां पर भूमि उपलब्धता की समस्या न लिख करके इसको हम सब हेडिंग यदि ऐसे बनाएं तो हमारा सब हेडिंग ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसको हम लिखें भूमि के बचत के लिए, ऐसा हम सब हेडिंग बनाए तो हमारा सब हेडिंग ज्यादा इफेक्टिव होगा।
बचत के, यहां पर हम तीन चौथाई क्या दिखा रहे हैं, यह हमारी भूमि बच रही है। इसी तरह का करीब करीब सिनोरियो यदि हम भूमि पर सोलर पावर पैनल लगाते हैं तब भी होगा। सौर संयंत्र या सौर्य पावर प्लांट या सौर्य पावर पैनल, सौर्य पैनल यदि हम भूमि संबंध इसको कहते हैं हम भूमि संबद्ध सौर ऊर्जा संयंत्र यदि हम लगाते हैं तो वह भी इसी तरह की स्थिति, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा स्थिति है, क्योंकि हमने कहा था पहले जो डेंसिटी कम होती है, दक्षता कम होती है, लगभग 20% के आसपास इसकी दक्षता होती है। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए इससे भी ज्यादा भूमि की जाए, तो अभी हमारी जो भविष्य की ऊर्जा जो हम अभी कह रहे हैं, जो सरकार जोर दे रही है इस ऊर्जा स्रोत को लगाने पर, यदि इस ऊर्जा स्रोत को लगाने की ओर हम बढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति हमें आ सकती है जब हमको अधिक भूमि सौर ऊर्जा उत्पादन में लगाने पड़े, क्योंकि जब तक पावर हम पैनल नहीं लगाएंगे तब तक ऊर्जा उत्पादन नहीं होगा। तो यह एक समस्या जो कि ऑलरेडी भारत में समस्या है, उस समस्या को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए इन दोनों ही लिमिटेशंस के कारण जो ये जो चीजें हैं उसके कारण भारत में क्या होना चाहिए, भूमि की बचत करने के लिए भी भारत को न्यूक्लियर पावर प्लांट को तरजीह देनी चाहिए। यानी भारत अपने अर्थव्यवस्था के आधार को यदि रखते हुए विकास करना है, सुरक्षित रखते हुए विकास करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऊर्जा स्रोत को तरजीह देनी पड़ेगी जो ऊर्जा उत्पादन के लिए इन जैसे स्रोतों पर, नाभिकीय जैसे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्योंकि कोयला आधारित तापीय संयंत्र या फिर हम भविष्य में जो कह रहे हैं सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, तो भूमि संबद्ध सोलर प्लांट के लिमिटेशंस हैं, वह ज्यादा भूमि हमारा छेक सकता है। तो भूमि के बचत के लिए अब अगला देखते हैं हम, पांचवा है जलवायु परिवर्तन तथा एक साथ रख दीजिए ग्लोबल वार्मिंग प्लस जलवायु परिवर्तन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके लिए भी हमको जरूरत है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस तरह, क्योंकि जितने भी हमने स्रोत देखे हैं नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़ करके कोयला या प्राकृतिक गैस, इन स्रोतों से यह क्या है, यह जीवाश्म ईंधन है, किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग करता है, ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार होता है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए 60% केवल जिम्मेदार कोल फायर्ड पावर प्लांट कोयला आधारित तापीय संयंत्र लगभग 60% के लिए योगदान करता है ग्लोबल वार्मिंग में। कुल कार्बन डाइऑक्साइड जितना उत्पादन करता है उसके लिए उसके 50 से भी 60% यही स्रोत जिम्मेदार है। हमने कहा था लगभग इन स्रोतों से लगभग 2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष भारत उत्सर्जित कर रहा है कोयला से, कोयला आधारित तापीय संयंत्रों से। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी तरह की स्थिति कुछ प्राकृतिक गैस की भी है, वह भी एक जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन जो भी होंगे वह अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करेंगे। इसके साथ साथ हम बड़े बड़े जल विद्युत परियोजना के बारे में भी हम देख रहे थे, जल विद्युत परियोजना तो हो गई कोयला आधारित तापीय संयंत्र, यदि जल विद्युत परियोजना में भी हमने चर्चा की थी, बड़े बड़े जल विद्युत परियोजना मीथेन गैस का उत्सर्जन करती है, मीथेन गैस के यह भी एक प्रकार का क्या है, यह भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस। तो इन ग्रीन हाउस गैसेज के कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण
ग्लोबल वार्मिंग होगी, तापमान में वृद्धि होगी। इन गैस यदि हम इस जैसे कोयला जैसे या जल विद्युत, बड़े बड़े जल विद्युत परियोजना लगाएंगे तो उससे इन इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ेगी। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे ही होगा तो उसका एक इमीडिएट इफेक्ट यह होगा जो हमारे यहां क्या होगा, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होगा। अब इस जलवायु परिवर्तन, इस जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी हमारी चीजें प्रभावित होंगी। वैसे स्रोतों को हम बढ़ावा देंगे जिसमें क्या होगा, इस प्रकार के गैसेस नहीं निकले। कौन? यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जैसे गैस नहीं निकले, उन स्रोतों को बढ़ावा, यानी कि गैर जीवाश्म स्रोतों को हम बढ़ावा देंगे। गैर जीवाश्म स्रोतों को मुख्यतः हम कहें तो बढ़ावा देंगे। गैर जीवाश्म स्रोत में आता है सोलर एनर्जी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा प्लस न्यूक्लियर ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्लस अर्थात सोलर विंड बायोमास और SHP स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यह तब से रखी रही है। हाल ही में भारत ने बड़े परियोजनाओं को भी शामिल कर दिया है पिछले ही साल। बहरहाल इतने के सिलसिले में देखिए तो ये रिन्यूएबल एनर्जी प्लस या आप कह सकते हैं सोलर और पवन की बात आप कर सकते हैं। रिन्यूएबल नहीं करना है तो आप नहीं कह दीजिए, क्योंकि यहां पर हमने जल विद्युत कह दिया है, मीथेन उत्सर्जन करता है, तो आप यहां पर SHP का नाम ले सकते हैं। यह बड़े जल विद्युत परियोजना के साथ समस्या है, बांध के साथ यह समस्या, यह SHP के साथ समस्या नहीं होती है। तो इस अर्थ में आप कह सकते हैं SHP सोलर पवन तथा बायोमास का नाम ले सकते हैं। यह ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना है। भारत सरकार अपने INDC प्लान में कह चुका है, INDC प्लान में 2015 में ही कह चुका है, जो 2030 तक अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का 40% गैर जीवाश्म स्रोत से करेगा। अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का भारत 2015 में कहा है, जो 2030 तक जितना भारत का 2030 में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी एनर्जी की, उसका 40% उत्पादन किससे करेगा, गैर जीवाश्म से करेगा। अभी 2020 में स्थिति यह है जो भारत लगभग 35%, जब से बड़े जल विद्युत परियोजनाओं को जोड़ दिया गया है तब से 35% इस स्रोत से कर रहा है, गैर जीवाश्म से कर रहा है, जिसको बढ़ा करके 40% तक करना पड़ेगा 2030 तक। यानी इसका पार्ट क्या है, यह 30 तक जो करेगा तो इस हिसाब से हम कहेंगे जो यह जो कमिटमेंट है भारत को 40% गैर जीवाश्म से उत्पादन करना, उसमें मदद करेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी, यह उसी का एक पार्ट है। इसी को भारत ने कहा है हरित ऊर्जा, इसी को हरित ऊर्जा कहा जाता है या फिर क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा भी कहा है भारत ने अपने INDC प्लान में, इसकी चर्चा की गई है। इस स्रोत को, किस स्रोत को, रिन्यूएबल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी को स्वच्छ ऊर्जा भी कहा गया है, क्लीन एनर्जी कहा गया है। तो क्लीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए, यानी क्लीन एनर्जी स्रोत को जैसे ही हमने बढ़ावा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन जैसे गैसों का, हरित ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कम होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, और ग्लोबल वार्मिंग कम होगा तो जलवायु परिवर्तन के खतरे भी कम होंगे। तो जो एक समकालीन विश्व के सामने में एक बड़ी चुनौती है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, उन खतरों से निपटने के लिए भी भारत को भविष्य में अपने कोयला आधारित तापीय संयंत्र या जीवाश्म ऊर्जा के स्थान पर इस जैसे नवीकरणीय तथा नाभिकीय जैसे ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए भी यह आकर्षण का केंद्र बनेगा भविष्य में, इसको हम कह सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इसी से कोरिलेटेड है, अगला पॉइंट है जो इसी तरह का एक समस्या भारत के सामने में अभी है वायु प्रदूषण का, तो इसी से भी कोरिलेटेड इशू है वायु प्रदूषण। जब हम कोयला जलाते हैं मुख्यतः, तो विभिन्न प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है, उसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अन्य है, या तो एक ग्रीन हाउस गैसेज, अन्य गैस भी निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं। इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त आर्सेनिक निकलता है, इसके अतिरिक्त लेड निकलता है। विशेषकर जब हम जीवाश्म ईंधन के रूप में कहें तो जब हम पेट्रोल जलाते हैं तब यह निकलता है, लेड निकलता है, मरकरी जैसा भारी एलिमेंट, ये सब सारे चीज निकलने की संभावना। अन्य इसके अतिरिक्त कार्बन के पार्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं, कार्बन के कण निकलते हैं। इसके अतिरिक्त इन स्रोतों से, जीवाश्म स्रोतों से हाइड्रोकार्बन भी निकलता है, अन्य हाइड्रोकार्बन, मीथेन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन, मीथेन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन। यह सारे कहीं ना कहीं जाकर के प्रदूषण का, यह सारे कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो भारत के सामने अभी जो चुनौती है वह कही जा रही है कि भारत विश्व में वैसा देश है जहां पर WHO ने कहा है विश्व में सबसे अधिक वायु प्रदूषण के कारण मौत होने वाला देश भारत है। भारत में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण, विश्व में जितने देशों में वायु प्रदूषण के कारण मौतें होती हैं उसमें से सबसे ज्यादा मौत भारत में होती है। तो वायु प्रदूषण से होने वाले मौतों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, तो इसको, इस प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। और यह जो जीवाश्म ईंधन है वह इन प्रदूषक पदार्थों को निकालते हैं। जिसके कारण इन लोगों की मौतें होती हैं, तो इस प्रकार हमको कहना पड़ेगा जो वायु प्रदूषण के कारण इसको, इसका हम इसका कोरिलेट यहां पर कह सकते हैं। न केवल वायु प्रदूषण, यदि वायु प्रदूषण नहीं डालिएगा, क्योंकि वायु प्रदूषण हमने इसलिए डाला है कि समकालीन भारत की समस्या है, तो हमने पहले भी कहा है जो उन समस्याओं के सिलसिले में समाधान सुझाइए जो भारत की समस्या रहती है। एनालिसिस यहां पर जाकर के करना है, हमको विश्लेषण भारत की समस्या के अनुसार से करना है। तो यहां पर यह भारत की समस्या है, इसलिए यदि आप चाहें तो यहां पर जल प्रदूषण से जोड़ सकते हैं इसको। हमने कहा यहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड आती आती हैं, तो यह क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा करेंगे, अम्लीय वर्षा करेंगे। यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में ऊपर जाकर के जल के साथ मिलकर के विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड्स बनाएंगे, विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाएंगे, ऑक्साइड्स नहीं बनाएंगे, विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाएंगे। जैसे कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, यह नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनाएगा, यह सल्फ्यूरिक एंड सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा, विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाएंगे। और वह अम्लीय वर्षा, वही जब धरती पर गिरेगी तो वह अम्लीय वर्षा, इससे जल प्रदूषण होगा, फिर उसके साथ साथ अन्य प्रदूषण में मृदा प्रदूषण की भी बात कर सकते हैं, जो हमने कहा था मृदा प्रदूषण भी यह नहीं करता है, जो किसी प्रकार का कार्बन के कण या फ्लाई एस का उत्सर्जन यहां पर नहीं होता है, फ्लाई एस का उत्सर्जन नहीं होता है, तो यह भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए भारत के, समकालीन भारत की जो समस्या है उसके समाधान में भी यह ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना चाहिए भारत, इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट है सेवन पॉइंट है ऊर्जा मिश्रण के विकास के लिए या सम्मिश्र के विकास के लिए, एनर्जी मिक्स के लिए। अब एनर्जी मिक्स क्या है, ऊर्जा मिश्र क्या है? ऊर्जा मिश्र की अवधारणा पेरिस जलवायु सम्मेलन के बाद तेजी से उभरी है। यह अवधारणा कहती है
जो ऊर्जा के किसी भी देश को, किसी भी समाज को ऊर्जा के सभी स्रोतों का अनुपातिक विकसित करना चाहिए। अनुपातिक विकसित से मतलब यह है जो सभी स्रोत, जितने भी स्रोत से ऊर्जा का दोहन हो रहा है, या इस तरह हम कह सकते हैं जो ऊर्जा के किसी भी एक स्रोत पर अति निर्भरता नहीं होनी चाहिए, यानी एनर्जी मिक्स का कंसेप्ट होना चाहिए। भारत में क्या है, भारत में कोयला आधारित तापीय संयंत्र हमारे कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 56% उत्पादन करता है, जबकि हम नाभिकीय ऊर्जा के बारे में देखे हैं जो नाभिकीय ऊर्जा मात्र 1.84% के आसपास उत्पादन करता है। अब एक स्रोत हमारा सबसे अधिक उत्पादन करता है 56%, और दूसरा 1. जिस स्रोत पर हम चर्चा कर रहे हैं वह स्रोत मैनलत 1.84 पर है, यानी बहुत कम है, less than 2% है। यह भारत में कहीं से भी एनर्जी सम्मिश्र को नहीं दिखाता है, अर्थात ऊर्जा के तमाम स्रोत या बिजली उत्पादन के तमाम स्रोतों का अनुपातिक विकास को नहीं दिखाता है। यह दिखा रहा था जो कोयला आधारित तापीय संयंत्र का बहुत अधिक विकास हुआ है, जबकि अन्य ऊर्जा के स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा जैसे स्रोतों का विकास बहुत कम हुआ है। तो यह जो कही जाती है जो एनर्जी मिक्स होना चाहिए, एनर्जी मिक्स काहे होना चाहिए, उसके पीछे भी दो कारण बताए गए हैं। एक कारण तो यह है जो यह सामरिक दृष्टि से किसी एक ऊर्जा उत्पादन पर अधिक निर्भरता सामरिक दृष्टि से भी सही नहीं है, और दूसरा जो ऊर्जा का एक स्रोत पर अति निर्भरता, यदि वह स्रोत कहीं ना कहीं किसी भी तरह से यदि वह प्रभावित हो गया तो आपका टोटल इकोनॉमी ही पैरालाइज हो जाएगा, आपकी तो कुल अर्थव्यवस्था पैरालाइज हो जाएगी। अर्थात यहां पर न केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि आपके वैसे भी स्ट्रेटेजिकल दृष्टि के साथ साथ आपका वैसे भी ऊर्जा के अनुपातिक सभी स्रोतों का अनुपातिक विकास के लिए, यानी एक स्रोत पर अति निर्भरता नहीं, किसी स्रोत पर बिजली के स्रोत पर अति निर्भरता नहीं होना चाहिए, निर्भरता नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टि से भी हम क्या करेंगे, एनर्जी मिक्स का कॉन्सेप्ट विकसित करेंगे। एनर्जी मिक्स का कॉन्सेप्ट आया है तो हमारे यहां जो ऊर्जा उत्पादन के स्रोत हैं वह एनर्जी मिक्स को नहीं बतला रहा है, यह इंबैलेंस एनर्जी मिक्स को बतला रहा है। अब एनर्जी मिक्स का हमने पहले भी चर्चा की, एनर्जी मिक्स का कभी भी यह मतलब नहीं है जो ऊर्जा के सभी स्रोत बराबर विकसित होंगे, ऐसा नहीं है जो हर एक स्रोत 20-20% हो या 15-15% हो सकता है जो एक यदि 25% हो तो दूसरा 17-18% हो, तो इस प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इस दृष्टि से भी देख रहे हैं तो 156% आधा से अधिक उत्पादन कर रहा है और दूसरा 2% से भी कम कर रहा है। तो हम यहां पर कहेंगे जो नाभिकीय ऊर्जा, चूंकि भारत के एनर्जी मिक्स में एनर्जी मिक्स की अवधारणा है, सभी स्रोतों का विकास होना चाहिए, और यह भारत में एक स्रोत जिस स्रोत की हम चर्चा कर रहे हैं वह अविकसित अवस्था में है और दूसरे स्रोत बहुत ही विकसित है, तो हम यह विकसित हो न हो हम यहां पर कहेंगे जो इस स्रोत के विकास की जरूरत है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास इसलिए जरूरत है जो इस स्रोत को हम बढ़ावा दें, एनर्जी मिक्स में इस स्रोत का अंशदान बढ़े। तो भारत में इस कंसेप्ट को लाने के लिए भी नाभिकीय ऊर्जा को बढ़ावा देना जरूरी है। अगला पॉइंट है सामरिक दृष्टि से भी भारत को सामरिक दृष्टि से इसका महत्व है, किसका, नाभिकीय ऊर्जा का। हमने पहले कहा है जो भारत की स्थिति ऐसी है अभी तो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसको देख करके सामरिक दृष्टि वाला महत्व और भी कहीं अधिक समीचीन लगता है, कहीं व्यवहारिक अधिक लगता है। जो तनाव की स्थिति है, भारत
और चीन की सीमा पर, खास करके लद्दाख क्षेत्र में, तो उस स्थिति में यह पॉइंट कहीं अधिक सार्थक नजर आ रहा है, जो इस दृष्टि से भारत को इस शोध का विकास करना चाहिए आने वाले समय में। सामरिक दृष्टि से देखिएगा तो भारत यहां पर देखिए, यहां पर इधर की ओर यह नेपाल है, तो नेपाल से तो भारत को खैर इस दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर यह जो कंट्री है और यहां पर यह जो कंट्री है जिससे भारत की सीमा लगती है, यहां पर यह नेपाल है, यह एक बड़ा सा देश ड्रैगन है, और यह पाकिस्तान है, चीन है। यहां पर हम इस सीमा पर बात कर रहे हैं। अभी तनाव कहां है? भारत और चीन के बीच तनाव यहां है, इस जगह पर तनाव है। अक्साई चीन के पास तनाव है, गलवन घाटी में चुनाव है। बहरहाल हम उस पर नहीं जाकर के, हम गलवन घाटी पर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में चर्चा करेंगे। जल्द ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप का क्लास शुरू होने जा रहा है, हो सकता है 1 तारीख से इंटरनल रिलेशनशिप का क्लास शुरू हो जाए 1 जुलाई से। अब हम कहते हैं यहां पर यह जो लोकेशन कह रहा है वो, यह तो ट्रेडिशनली बहुत समय से है। अभी जो भारत के लिए सेंसिटिविटी अभी आजकल के दौरान जो बना हुआ है वह यह चीन परेशानी दे रहा है। हम यहां पर कहते हैं जो यह दोनों ही, यह भी परमाणु हथियार संपन्न देश है, परमाणु हथियार इसके भी पास है, परमाणु हथियार इसके पास तो पहले से है, हथियार इसके पास पहले से भी है। इन दोनों देशों के साथ भारत के आपसी संबंध भी अच्छे नहीं है, इससे तो परंपरागत संबंध खराब है, और इस बीच में कुछ संबंध सुधरे थे लेकिन फिर से आजकल संबंध खराब चल रहे हैं। उसी मां विवाद और सैनिकों के बीच जो झड़प हुई है, सैनिकों की मौत हुई है, इससे हम यहां पर कोरिलेट कर सकते हैं। क्योंकि भारत वैसा देश है जो दो बड़े परमाणु संपन्न देशों के साथ घिरे हुए हैं, ऐसी स्थिति में परमाणु ऊर्जा के द्वारा, परमाणु संयंत्र से किसकी प्राप्ति होती है? प्लूटोनियम की। परमाणु संयंत्रों से प्लूटोनियम की प्राप्ति होती है। इस प्लूटोनियम का हम उपयोग कर लेते हैं परमाणु बम बनाने में और हथियार बनाने में, परमाणु हथियार बनाने में। परमाणु हथियार या परमाणु बम बनाने में इस प्लूटोनियम का उपयोग हम कर देते हैं। अब यहां पर हम कहेंगे कि चूंकि भारत के पास इन देशों से, जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, परमाणु बम है, उन देशों के साथ भविष्य में युद्ध हो चुके हैं, वर्तमान में भी इन देशों के साथ सीमा विवाद है, और तीसरा कहेंगे जो इन देशों के साथ अभी झड़पें भी चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत को परमाणु संयंत्रों का विकास करना चाहिए। क्योंकि जब भारत परमाणु संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन करेगा, उसी के उप उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम, जले हुए प्रथम चरण के जले हुए ईंधन से हमको प्लूटोनियम मिल जाता है, तथा एफबीआर संयंत्रों से तो प्लूटोनियम को जला के ही प्लूटोनियम मिल जाता है। तो इसलिए भारत को न केवल PHWR प्रकार का रिएक्टर बल्कि FBR, इन दोनों ही प्रकार के रिएक्टर का विकास, अर्थात भारत को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास तेजी से करना चाहिए, ताकि भारत को सफिशियंत मात्रा में प्लूटोनियम की उपलब्धता हो, और उससे परमाणु भारत अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। यहां पर हम यह नहीं कहेंगे, यहां पर कहेंगे सामरिक दृष्टि से भारत अपने न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए, अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा करने के लिए भारत को इस प्रकार के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को तरजीह देना चाहिए। क्योंकि भारत के साथ जो अगल बगल में स्थिति चल रही है
वह तनावपूर्ण है और साथ ही साथ इन देशों के साथ इन देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, तो इसीलिए भारत के पास भी इस तरह की हथियार होनी चाहिए ताकि यह देश भी डरे। आपके पास जब तक गोला बारूद नहीं होगा तब तक कोई नहीं डरेगा। दुश्मन इससे भी भयभीत होते हैं जो यदि हम उस पर हमला करेंगे तो उसके पास भी वह हथियार है, वह हम पर हमला कर सकता है। यदि यह दुश्मन को भय नहीं होगा जो वह हमको हमला कर सकता, वह आपको कभी भी दबोच लेगा। अभी तो लद्दाख ही कह रहा है, कुछ समय में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम फिर से कहने लगेगा यह हमारा है। दुश्मन को जब यह भय नहीं होगा, यह प्रतिघात भी हो सकता है और प्रतिघात भी उसी तरह से हो सकता है जिस तरह से हमने घात किया है, तो यह चीजें नहीं होगी। तो इसलिए भी ऐसा नहीं है जिनका उपयोग करने की ही हम बात कर रहे हैं, हम इसका उपयोग करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो ये चीजें भारत के पास होनी चाहिए, इसलिए जो यह चीज भारत के पास नहीं होगा तो यह चीज इन देशों के पास है, तो ये देश इनका कभी भी उपयोग कर सकते हैं और भारत को नतमस्तक होना पड़ेगा इन देशों के सामने में। तो इन देशों को एक नियंत्रण में, हम यहां पर कहेंगे इन देशों को नियंत्रण में रखने के लिए, अपनी सीमा में रखने के लिए भारत के पास यह जरूरी है कि परमाणु संयंत्रों का विकास हो और साथ ही साथ प्लूटोनियम जैसे परमाणु पदार्थों की भी आपूर्ति हो, जिससे भारत अपने आवश्यकता के लिए, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता या सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए जो लैंग्वेज आप उपयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस प्रकार के चीजों की जरूरत है भारत को। आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं अभी जो तनाव है उससे। अब हम आते हैं अंतिम बिंदु पर। अगला है वो सबसे उपयोगी है, थोड़ा लंबा भी होगा और सबसे उपयोगी भी है। नाइन्थ है उप उत्पादों का महत्व। उप उत्पादों उत्पादों का महत्व है। उप उत्पाद से क्या मतलब है? उप उत्पाद से मतलब है जो रेडियो न्यूक्लियाई परमाणु ऊर्जा के निकालते समय उपयोग करते हैं। जैसे हमने कहा था यूरेनियम को जब विखंडित करवाते हैं तो बेरियम, क्रिप्टन जैसे रेडियो न्यूक्लियाई नाभिक मिलते हैं। यह नहीं मिलते हैं, यही नहीं केवल मिलते हैं, इन जैसे नाभिक मिलते हैं, तो इनको कहते हैं हम यह उप उत्पाद रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं। इन उप उत्पादों को, इस तरह के जो उप उत्पाद बनते हैं उनका उपयोग कहीं ना कहीं, इस तरह के उप उत्पाद का उपयोग विभिन्न प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। उप उत्पादों का महत्व या उप उत्पादों का उपयोग कहां कहां होता है, इन उप उत्पादों का उपयोग कहां कहां होता है, सबसे पहले 3-4 फील्ड है जहां पर इसका जबरदस्त उपयोग होता है। पहला फील्ड है कृषि के क्षेत्र में, कृषि से जुड़ी हुई है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। इसका चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग है, इसका उद्योग के क्षेत्र में उपयोग है और इसका अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोग है। अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में उपयोग होता है। अर्थात इन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का या रेडियो आइसोटोप्स का, ये जो रेडियो आइसोटोप्स या न्यूक्लियाई हैं, इन रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग कहां कहां कर सकते हैं? कृषि के क्षेत्र में हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, चिकित्सा उद्योग तथा अनुसंधान के क्षेत्र में। अब एक एक करके हम देख लेते हैं किस किस प्रकार से इसका उपयोग
कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग किस प्रकार से, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग हुआ है। अब कृषि के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो कृषि के क्षेत्र में उन्नत प्रजाति के विकास के लिए, उन्नत प्रजाति के विकास के लिए यानी अधिक उपज देने, उन्नत प्रजाति से मतलब है अधिक उपज देने वाली किस्म, अधिक उपज देने वाले फसलों के किस्म, के विकास के लिए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का उपयोग किया जाता है। हमने कहा था यह जो अल्फा बीटा गामा किरणें इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप से निकलते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है जो जेनेटिक परिवर्तन तक कर देते हैं। तो जब वह डीएनए में परिवर्तन कर सकता है, जेनेटिक परिवर्तन कर सकता है, डीएनए में परिवर्तन कर सकता है, तो स्वाभाविकतः इस परिवर्तन से वैसे किस्में, उस फसल के किस्में तैयार की जा सकती हैं जो अधिक उपज देने वाला। इसी तरह के किस्मों में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा, बार्क द्वारा भारत में लगभग एक दर्जन से अधिक उन्नत प्रजातियों का विकास किया है। किन किन फसलों के लिए, तो कुछ प्रमुख फसल हैं धान, गेहूं, मूंगफली, जूट, धान, मूंगफली, जूट, सरसों, तिलहनी फसल है सरसों, पशुचारा, केला, अनानास, ईख आदि। इन फसलों के एक दर्जन से अधिक किस्मों का विकास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे के द्वारा किया गया है। इसमें केला के संबंध में, केला के द्वारा जो टिश्यू कल्चर मेथड से क्योंकि केला में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, केला के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए टिश्यू कल्चर मेथड से जिस किस्म का विकास किया है वह काफी लाभदायक रह रहा है। इसका उपयोग बिहार में भी किया जा रहा है, बिहार के वैशाली, बिहार के कटिहार, मुजफ्फरपुर, इन जिलों में टिश्यू कल्चर मेथड से काफी केला के उत्पादन में अग्रणी स्थान है बिहार का। तो इस टिश्यू कल्चर मेथड का उपयोग करते हुए ही इन फसलों के उत्पादकता बढ़ रही है। इन फसलों के बारे में, पशुचारा के बारे में मैंने कहा जो इसके द्वारा उन्नत किस्म के पशुचारा का विकास किया गया है। अर्थात उन्नत प्रजाति के विकास में रेडियो किरणों का, रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग किया जा रहा है, विशेषकर गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्या उपयोग किए जा सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों में बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो शीघ्र क्षय हो जाने वाले होते हैं, शीघ्र क्षय जिनका हो जाता है, शीघ्र विनष्ट हो जाते हैं। तो इन शीघ्र विनष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए इसमें गामा विकिरण विधि से, जिसको कहते हैं इरेडिएशन विधि से उस खाद्य पदार्थों को उपचारित किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो होता क्या है, जो जैसे ही इन खाद्य पदार्थों के ऊपर एक नियंत्रित मात्रा में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है इन खाद्य पदार्थों को एक बर्तन में रख करके उच्च वेधन क्षमता वाला गामा किरणों का उपयोग करते हैं नियंत्रित मात्रा में। यहां गामा किरण कैसे है, नियंत्रित मात्रा में गामा किरण का उपयोग, इससे इसके जो
बैक्टीरिया हानि पहुंचाने में, सड़ते क्यों है, खाद्य पदार्थ क्यों सकते हैं, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण। अब उन फफूंदी या बैक्टीरिया को ये गामा किरणों के द्वारा यह मारता है, उन किरण उन उसको और उसके स्पोर्स को, उसके बीजों को, उन फफूंदी तथा बैक्टीरिया के बीजों को ये जो गामा किरणें होती हैं कंट्रोल्ड मात्रा में दी जाती हैं, तो इससे वह मर जाते हैं। कौन मरते हैं? बैक्टीरिया मरते हैं, उनके स्पोर्स मरते हैं, फफूंदी मरते हैं, फंगस मरते हैं। जैसे ही यह पदार्थ मर जाते हैं और इनके स्पोर्ट्स मर जाते हैं, वैसे ही यह अधिक लंबे समय तक, यह खाद्य पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित रख जाता है। यह जो खाद्य पदार्थ निकलेंगे इससे उपचारित प्याज संरक्षित रहेंगे, या यह क्या होंगे, यह उपचारित खाद्य पदार्थ हैं। उपचारित खाद्य पदार्थ यानी इसको एक आप स्केच के द्वारा बता सकते हैं कि किस प्रकार गामा किरण का हम यहां पर इरेडिएशन करवाए, क्या करवाए, विकिरण डलवाए, किसमें, इस खाद्य पदार्थों को एक बॉक्स में डाल करके खाद्य पदार्थ रखे, उसको नियंत्रित मात्रा में हम गामा किरण से एक्सपोज करवाए, इसके बाद इसके बैक्टीरिया तथा इसके स्पोर्ट्स मर गए, फफूंदी मर गए या विनष्ट हो गए, विनाश, फफूंदी का विनाश। अब जैसे ही विमान पे गए तो यह खाद्य पदार्थ जब बाहर निकल गया तो यह लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। कौन? यह उपचारित खाद्य पदार्थ। इसी तकनीकी का उपयोग हम कर रहे हैं, विशेषकर दो फसलों में इसका, दो प्रकार के फसलों में इसका उपयोग किया गया है, खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया गया है। एक प्याज शीघ्र मत, लासला गांव कहां पर है, नासिक महाराष्ट्र में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है नासिक महाराष्ट्र। अब इस क्षेत्र के लासला गांव में बार्क के सहयोग से एक निजी कंपनी ने यहां पर प्याज को गामा किरण से उपचारित कर विकिरण इरेडिएशन मेथड से अधिक समय तक इस प्याज को संरक्षित रखा है। इसी तरह मेसर ऑर्गेनिक ग्रीन फूड लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, मेसर ऑर्गेनिक ग्रीन फूड लिमिटेड कोलकाता के द्वारा खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए गामा इरेडिएशन मेथड का प्रयोग किया गया है, गामा विकिरण विधि का प्रयोग किया गया है खाद्य पदार्थों को, अभी भी किया जा रहा है कोलकाता में। अब हम कह सकते हैं इस विधि का प्रयोग भारत व्यापक पैमाने पर कर, अभी तीसरा बात अब रख सकते हैं, अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए हम आने वाले समय कृषि में शीघ्र विनष्ट होने वाले, क्योंकि भारत के सामने में चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है, इन खाद्य पदार्थों का मूल्य, उचित मूल्य मिल नहीं पाता है क्योंकि यह जल्दी विनष्ट हो जाते हैं, तो इनको लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है जो हम आने वाले समय में इरेडिएशन मेथड से खाद्य पदार्थों को, यानी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के मदद से, इसी रेडिएशन मेथड से हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखेंगे। अभी कोरोना लॉकडाउन के समय में इस महामारी से निपटने के लिए जो कुछ अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया गया है कृषि क्षेत्र में, उन्होंने कहा है जो कृषि के क्षेत्र में खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए रेडिएशन मेथड से भारत के वित्त मंत्री के द्वारा विकिरण विधि के खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण विधि को बढ़ावा देने की बात कही गई है, यानी भारत इसको विकसित करेगा बार्क के मदद से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मदद से। हम वहां पर कह सकते हैं जी इसके कारण यदि ऐसी स्थिति आती है भारत में तो इसका भारत के निर्यात पर सीधा प्रभाव, खाद्य पदार्थों के निर्यात पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, फूड प्रोसेसिंग पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, इससे भारत का
निर्यात भी बढ़ेगा और साथ साथ फसल के उचित मूल्य दिलाए जा सकते हैं। विशेषकर किसके संबंध में, भारत अब दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन यह भी एट द सेम टाइम सही है, जो भारत इसके उप उत्पादों का या आप कहें जो सहायक उत्पाद जैसे दही, मक्खन, विभिन्न प्रकार के और चीजों का उत्पादन नहीं कर पाता है, निर्यात नहीं कर पाता है। मात्र 20% से भी कम रेशियो है भारत में टोटल मिल्क प्रोडक्शन का उसके प्रोसेस करने का। और यहां पर हम देखेंगे जो यह दूध तथा उसके उत्पाद जो हो रहे हैं, दूध तथा उसके उत्पाद यह शीघ्र विनष्ट होने वाले पदार्थ हैं। यदि हम इसको इरेडिएशन मेथड से ट्रीटमेंट कर दें, उपचारित कर दें, तो इसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, इसको हम दूर देश तक भी निर्यात कर सकते हैं, यानी किसानों को स्पष्ट लाभ होगा, डेयरी उत्पादकों को लाभ इसका मिलेगा। इसी तरह मछली के उत्पादन में भारत का अग्रणी स्थान है, दूसरा सबसे बड़ा मछली का उत्पादक देश है भारत, और यह भी शीघ्र विनष्ट होने वाले फसल हैं। फिर उसके बाद मांस के बारे में कह सकते हैं। हां, मसाला के बारे में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मसाला का प्रमुख उत्पादक देश है भारत। अब मसाले में भी यही कंडीशन होता है, जो कुछ लंबे समय तक यदि छोड़ दिया जाता है तो मॉइस्चर के कारण उसमें फफूंदी लगना शुरू हो जाता है और मसाला का स्वाद चला जाता है, वह स्वाद बेस्वाद हो जाता है। अब इन चीजों के लिए हम क्या करेंगे, इन चीजों के रेडिएशन मेथड का उपयोग करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं वह मसाले को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, उसका निर्यात मूल्य बढ़ेगा, उसको हम अधिक दूर तक निर्यात कर सकते हैं। ये सारे एस्पेक्ट उसको उसके साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा यहां पर आप चर्चा कर सकते हैं हरी सब्जियों को उसका भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा भारत अभी कोरोना काल में एक बहुत बड़ी यहां पर चुनौती जन्म ली है, जड़ी बूटियों की। भारत इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए जड़ी भारतीय जड़ी बूटियों की मांग, आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियां हैं उन जड़ी बूटियों को, भारत जड़ी बूटियों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए भी इस तरह के विकिरण मेथड का, गामा ट्रीटमेंट मेथड का उपयोग कर सकता है और अधिक समय तक इन खाद्य पदार्थों को, इन जड़ी बूटियों को संरक्षित रख सकता है, यानी उसके निर्यात मूल्य भी बढ़ेंगे और उसके किसानों को, इसके उत्पादक किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, अर्थात कहीं ना कहीं इसका लिंक किसानों की आय बढ़ाने से जुड़ा हुआ है, तो इस चीज की चर्चा कर सकते हैं हम। यानी न केवल संरक्षण संरक्षित होगा बल्कि किसानों को अधिक कीमत मिलेंगे, साथ ही साथ इनका निर्यात बढ़ेगा, यह लंबे समय तक आप इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते, अधिक दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यह सारी सुविधा इस पदार्थों को इस ट्रीटमेंट विधि के करने से हमको होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट हम कह रहे थे इसके बाद चिकित्सा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंस मिनिस्टर न केवल स्वास्थ्य के इसके बारे में कहा है, न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कहा है बल्कि इसके बारे में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। अभी हाल में मुश्किल से 20 दिन पहले मई 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में कहा है, जो भारत रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो न्यूक्लियाई का प्रयोग करेगा चिकित्सा के लिए। बृहत पैमाने पर भारत अभी यह रेडियो न्यूक्लियाई या रेडियो आइसोटोप भारत दो स्रोतों से, या तो अपने यहां उत्पादन करता है लेकिन उत्पादन भारत कम करता है, अधिकतर भारत रेडियो आइसोटोप्स का आयात करता है। तो यह जैसे ही यह एस्पेक्ट आ जाएंगे तो गंभीर रोगों, खास करके इसका उपयोग कैंसर जैसे गंभीर रोगों के उपचार में होता है, और प्रायः कैंसर के गंभीर रोगी जो बहुत पैसे वाले हैं वह विदेशों में जाते हैं। तो यहां पर एक एस्पेक्ट यह आ जाएगा कि यदि यह सुविधा हमारे देश के अंदर हो जाएगी तो इसके कारण रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का प्रोडक्शन हम देश में कर जाएंगे, तो इससे चिकित्सा गंभीर रोगों के लिए, चिकित्सा कैंसर जैसे गंभीर लोगों के लिए चिकित्सा आसान हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, कई लोगों का जान बचाया जा सकता है, तो यह एस्पेक्ट आ जाएगा, यह सस्ते होंगे। तो अभी जो हम आयात पर निर्भर हैं उसको समाप्त कर या कम कर हम उत्पादन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का उत्पादन बढ़ेंगे। इसका उपयोग किस क्षेत्र में होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर
उत्पादन में उत्पादन कर रही है उसके लिए इसी का एक इकाई है, हमने चर्चा किया था वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कहां पर है, कोलकाता में साइक्लोट्रॉन सेंटर, इसके अभी हाल ही में शुरू होने वाला है, लगा है, स्थापित हुआ है साइक्लोन 30, वहां पर एक साइक्लोट्रॉन लगा है जिसका नाम है साइक्लोन 30, साइक्लोट्रॉन है, यह क्या है साइक्लोट्रॉन, यह साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, यह रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई उत्पादन करता है। तो यह जो साइक्लोन 30 नाम का साइक्लोट्रॉन कोलकाता में कमीशन स्थापित किया गया है, यह उत्पादन शीघ्र शुरू करेगा और इससे विभिन्न रोगों को, कैंसर जैसे घातक रोगों को उपचार, इसका सबसे असर पड़ेगा चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर रोग पर। कैंसर रोग के दो आयाम होते हैं, इसकी पहचान तथा यानी डायग्नोस करना तथा इसको इलाज करना, यानी इसका पता लगाना, ट्यूमर का पता लगाना, ट्यूमर का पता लगाना, उस ट्यूमर को मारना, ट्यूमर के सेल्स को मारना, अर्थात इलाज। इस दोनों ही कामों में इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का उपयोग, तीन तरह के थेरेपी, कैंसर के उपचार के लिए तीन तरह की थेरेपी किए जाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज एंड टाइप ऑफ कैंसर। एक होता है केमोथेरेपी, एक होता है रेडिएशन थेरेपी और तीसरा केमो प्लस रेडिएशन और एक चौथी भी विधि है सर्जिकल। यह चार विधियों से होता है, या तो केमो विधि से होता है या रेडिएशन मेथड से इसका उपचार होता है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। सर्वाधिक सफल और सर्वाधिक जो उपयोग होता है इरेडिएशन वाला, उस स्टेज में जब हायर स्टेज में जाता है तब इसका उपचार रेडिएशन मेथड से करते हैं। तो इरेडिएशन मेथड कुछ केसेज में केमो भी काम करते हैं और रेडिएशन भी काम में ले आते हैं, अक्सर यहां भी होता है, या तो यह उपयोग कर लेते हैं। यदि फर्स्ट स्टेज में हो कैंसर, कई स्टेज में, मुख्यतः चार स्टेज के कैंसर होते हैं, चार स्टेज में उसके ग्रोथ के अनुसार, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो जो शुरुआती स्टेज में होगा तो वह केमोथेरेपी से शांत हो जाता है, नहीं कुछ उसे एडवांस स्टेज है तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन मेथड से, कुछ केसेज में केमो प्लस रेडिएशन और कुछ विधि ऐसी भी होती है जिसमें सर्जिकली उसको रिमूव कर देते हैं, या अर्लियर में ही हो सकता है, एडवांस केसेज में सर्जिकली रिमूव नहीं हो पाता है। तो इन विधियों से हम करते हैं, तो इस विधि में से यह जो दोनों विधि है, चाहे रेडिएशन हो या केमो रेडिएशन हो, इस दोनों में इसके इलाज के लिए, यह इलाज वाला पहलू जो है, इस इलाज वाला पहलू के हम इतने पहलू बता रहे हैं, इलाज के इन पहलू है, केमो रेडिएशन, केमो प्लस रेडिएशन, केमो कम रेडिएशन एंड सर्जिकल, इन चारों में से दो विधि का उपयोग इसके इलाज में हम में रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया या रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इसका पता लगाने में भी, ट्यूमर का पता लगाने में भी उपयोग किया जाता है। यह ऐसा चीज है, नो केवल यानी कैंसर में, दोनों ही चीजों में, वह सभी प्रकार के ट्यूमर कैंसेरियस नहीं होते, सभी प्रकार के ट्यूमर कैंसर वाले नहीं होते। अब कौन सा ट्यूमर कैंसर वाले हैं इसको पता लगाने के लिए भी इसका हम उपयोग करते हैं। तो इन सब चीजों में हम उपयोग किसका करते हैं, इन सब चीजों में हम उपयोग कर लेते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। कुछ प्रमुख रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है जिसकी चर्चा हम कर देते हैं, जिसका उपयोग भिन्न भिन्न रोगों के इलाज में हो रहा है, जैसे आयोडीन 131 131, सोडियम 24, फ्लोरीन 18, प्लेडियम 103, टेक्टिनियम टीसी, टेक्टिनियम 99, फास्फोरस 32, आर्सेनिक 74, विभिन्न रोगों में उपयोग होने वाले ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। इसमें आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड कैंसर के पता लगाने तथा ट्रीटमेंट में करते हैं, आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड कैंसर के पता लगाने में करते हैं, सोडियम का उपयोग
रक्त थक्का को पता लगाने में, रक्त थक्का शरीर में परिसंचरण तंत्र में होता है, परिसंचरण शरीर के अंदर खून जम गया है कि नहीं जम गया है उसका पता लगाने में कहां खून जमा है सोडियम 24 का उपयोग करते हैं, फ्लोरीन 18 का उपयोग पीईटी में करते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पीईटी में करते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इसमें किसका उपयोग करते हैं, F18 का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्रोस्टेट कैंसर में, पुरुषों का मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, प्रोस्टेट कैंसर, अधिकतर पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर, और महिलाओं का कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर के पता लगाने में, प्रोस्टेट कैंसर के पता लगाने में, ट्रीटमेंट में तथा उपचार में इसका उपयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग बहुत आम है, कई सारे कैंसर में इसका उपयोग सर्वाधिक यह टेक्टोनियम 99 का उपयोग किया जाता है, वह धराले से किया जाता है, 80% जो उपयोग है वह टेक्टोनियम 19 का ही है। इसके अलावा F18 की बात हमने कहा, P32 का भी उपयोग किया जाता है, और आर्सेनिक 74 का भी कुछ केसेज में उपयोग किया जाता है। ये प्रमुख रेडियो न्यूक्लियाई है जिसका उपयोग हम करते हैं। अब इन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को बनाने के लिए, यह जो हमने कहा था परमाणु ऊर्जा से जो क्रिप्टन बेरियम आदि निकलते हैं उनका उपयोग, या फिर अन्य जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई निकलते हैं उनका उपयोग हम कर सकते हैं इन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या आइसोटोप्स को तैयार करने में, जिसका उपयोग, एक को हमने छोड़ दिया जो बृहद उपयोग होता है, कोबाल्ट 60 इसका भी बहुत बृहद उपयोग होता है कैंसर को इलाज में, कोबाल्ट 60 का। तो इन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का उपयोग किया जाता है विभिन्न रोगों को ट्रीटमेंट में। इन्हीं संभावनाओं को देख करके वित्त मंत्री ने कहा है जो भारत इनका उत्पादन अब बढ़ाएगा। अभी तक मुख्यतः हम लोग आयात करते रहे थे, लेकिन साइक्लोट्रॉन के स्थापना से अधिक साइक्लोट्रॉन, और यह उन्होंने कहा बार्क की मदद से, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की मदद से अधिक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का उत्पादन करेगा, जिससे चिकित्सा आसान, गंभीर रोगों की चिकित्सा भारत में आसान हो जाएगी और सस्ती हो जाएगी। तो चिकित्सा वाला एस्पेक्ट यहां पर आ गया। अब उद्योग वाला एस्पेक्ट देख लेते हैं, उद्योग में क्या कहना है, उद्योग के क्षेत्र में कहां पर इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग में पेट्रोलियम तथा गैस परिवहन के कैसे करते हैं, प्रायः लंबे पाइपलाइन के द्वारा गैस तथा पेट्रोलियम का परिवहन लंबे पाइपलाइन का। भारत में HBJ पाइपलाइन सबसे लंबा पाइपलाइन है, हजीरा जगदीशपुर तथा विजयनगर, लगभग 1700 किलोमीटर के आसपास का यह पाइपलाइन है जो गुजरात में हजीरा से लेकर के और जगदीशपुर कहाँ है, शाहजहांपुर जिले उत्तर प्रदेश में है, वहां तक जाता है। तो H4 हजीरा, B4 विजयनगर, J4 जगदीशपुर। तो यह जो लगभग मोर देन 1700 किलोमीटर लंबा जो पाइपलाइन है, ऐसे लंबे पाइपलाइन, यह केवल एक उदाहरण है, ऐसे लंबे पाइपलाइन में लीकेज का पता लगाने के लिए, लीकेज पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का उपयोग करते हैं। करते यह है जो उससे होकर के पाइपलाइन से होकर के रेडियो एक्टिव के न्यूक्लियाई के रेडिएशंस प्रवाहित करते हैं, और बाहरी भाग में जहां पर हमको आशंका रहती है जो यहां पर लीकेज हो सकता है, वहां के बाहरी भाग में फोटोग्राफिक प्लेट डाल देते हैं बाहरी भाग में। जैसे यह पाइप है, यह पाइप जा रहा है, सपोज दैट यहां पर हमको लग रहा है जो यहां पर कहीं क्या स्थिति है,
उसको देख लें। तो इसके अंदर से हम प्रभावित करेंगे दूर तक से, किसको प्रभावित करेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के विकरण को। और यहां पर यदि आशंका है तो यहां पर हम इसके चारों ओर क्या लपेट करके रख देंगे, इसके चारों ओर लपेट करके हम लिख देंगे फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। अब जैसे पाइप जहां पर पतला होगा या पाइप जहां से लीक कर रहा होगा, लीक कर रहे यदि तेल का रिसाव हो रहा होगा तो वह तो पता चल जाता है, लेकिन गैस का रिसाव पता होना मुश्किल होता है। गैस का रिसाव का पता होना मुश्किल, तेल का रिसाव में तो हमको दिखता है जो ट्रेल है, तो गैस तो दिखता नहीं है। तो इस नहीं दिखने के कारण स्पेशली इसके परिवहन में इसको पता लगाना, इसमें इसमें यहां पर यह यूजफुल होता है जो इसके पाइप पतला होने में, अर्थात तेल का रिसाव कब होगा, जब वह पाइप पतला होगा तब कहीं ना कहीं जाकर के लीक करना शुरू करेगा। अब वह पतला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना मोटा है वह चदरा जिससे होकर के प्रवाहित हो रहा है या पेट्रोलियम या गैस, उसके मोटाई का पता लगाने में, मोटाई में कमी आने का मतलब है जो किसी खास जगह पर मोटाई में कमी लगा है तो किसी ने किसी कारण से वहां का लोहा या चदरा खराब हो रहा होगा, जिसके कारण उसमें जंग लगा होगा, स्वाभाविकता हुआ क्या होगा, पतला होगा। और उस पतला होने का पता यहां पर, यह जैसे ही यह गहरे रंग का हो जाएगा वैसे ही समझ जाएंगे जो यहां पर इसका गहरा रंग फोटोग्राफिक प्लेट के इस रीजन में का गहरा रंग यह बता रहा है जो यहां पर कहीं ना कहीं लीकेज है, यहां पर लीकेज को बता रहा है। तो इसका इस फोटोग्राफिक प्लेट से इस पेट्रोलियम गैस के परिवहन का रख रखाव कर सकते हैं, रख रखाव मेंटेनेंस में मदद करेगा और साथ साथ लीकेज का पता लगाने में, लीकेज का पता लगाने में, विशेषकर गैस परिवहन के केस में लीकेज का पता लगाने में मदद करेगा और रख रखाव के केस में दोनों ही केस में मदद करेगा। अर्थात इस विकिरण का उपयोग, रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग हम यहां पर लंबे गैस पाइपलाइन के किस जगह पर गैस का रिसाव हो रहा है या फिर वह चदरा या फिर वह पाइप पतला हो चुका है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस रेडिएशन मेथड का उपयोग करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का उपयोग करते हैं। तो उद्योगों में यह लंबे गैस पाइपलाइन या लंबे पेट्रोलियम परिवहन के पाइपलाइन का रखरखाव में इसका उपयोग लीकेज के पता लगाने में करते हैं। अंतिम है अनुसंधान में अनुसंधान में इसका उपयोग कहां करेंगे, अनुसंधान में विशेषकर आपको पता है जो पौधों में जो पीलापन, पत्तियों का पीलापन हो जाता है, उस पत्तियों के पीलापन का कारण होता है उसमें फ्लोरीन की कमी, सॉरी फास्फोरस की कमी, फ्लोरीन नहीं फास्फोरस, फास्फोरस की कमी, फास्फोरस की कमी के कारण पत्तियां पीला होने लगती हैं, पौधों की पत्तियां पीला होने लगते हैं। अब इस पीलापन के पता लगाने के लिए फास्फोरस के का नॉर्मल आइसोटोप P31 तथा P32, यह रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसका दोनों का मिश्रण उसमें डाला जाता है, यानी उसरण पौधों में प्रवाहित कराया जाता है। चूंकि दोनों का केमिकल फंक्शन एक ही होगा, जो इस पी का होगा वह इस पी का होगा, केमिकल गुण में अंतर नहीं होगा, केवल रासायनिक गुण एक तरह के होंगे आइसोटोप्स के, केवल अंतर किसमें पड़ेगा, अंतर पड़ेगा उसके भौतिक गुणों में। तो जब यह प्रवाहित होंगे तो पौधे को पत्तियों तक फास्फोरस पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि यह 32 जब जैसे ही होगा तब उसे विकिरण निकलेंगे और उस विकिरण को हम फोटोग्राफिक प्लेट या अन्य विधि से जीजर मुरल काउंटर के द्वारा, जीजर मुरल काउंटर का नाम सुने होंगे आपने, उस जीजर म्यूरल काउंटर के द्वारा उस पत्तियों के आसपास रेडिएशन कितना निकल रहा है यह पता लगा लेंगे। यदि वहां निकल पता रहा, इसका मतलब है जो फास्फोरस वहां तक पहुंचा है
यदि वहां पर फास्फोरस नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब यहां समझ जाएंगे जो वहां तक पत्ती के उस भाग में या उस पौधे के उस भाग में फास्फोरस नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस विधि में फास्फोरस की उपलब्धता का, फास्फोरस के बारे में पता है, हमने बार बार चर्चा किया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यह प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है पौधों के, या फास्फोरस प्राइमरी दूसरा प्रमुख आवश्यकता वाला जो तत्व है, न्यूट्रिएंट है, वह फास्फोरस ही है। तो इस फास्फोरस की उपस्थिति प्लांट में कैसी है, पत्तियों में कैसी है, इसके पता लगाने के लिए फास्फोरस के आइसोटोप का उपयोग हम कर लेते हैं। तो अनुसंधान कार्यों में इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है इस चीज के पता लगाने में। इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है इसको पता लगाने में। अब हमने इस तरह का न्यूक्लियर एनर्जी का महत्व इसको हमने समाप्त किया। भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का क्या महत्व है, लंबा क्लास चला, लेकिन मुझे आशा है जो आप सब लोग टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं फिर कहता हूं, यदि आप नहीं समझ रहे हो तो मुझे निश्चित रूप से कॉल करें, मुझे खुशी होगी, जो आप जानने को इच्छुक हैं मुझे बताने में बहुत खुशी होती है, जो इस बात को हम जो चीज पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचने का प्रयास तो कम से कम हो रहा है, आप समझने का प्रयास तो कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन आपको एग्जाम में पता चलेगा। टॉपिक लंबा हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है न्यूक्लियर एनर्जी लंबा हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी लंबा बेशक हो रहा है, लेकिन यह मान के चलिए जो हमने पहले भी कहा है, 10 बार में से यदि 10 बार एनर्जी से प्रश्न आया है तो 6 यही न्यूक्लियर एनर्जी से प्रश्न है, तो यह मोस्ट सर्टेन टॉपिक है। तो इसीलिए हम इस पर स्वाभाविकता ज्यादा, यह मेरा स्ट्रेटेजी का पार्ट है, या आप मत समझिएगा, कुछ लंबा समय लग रहा है और वो सब क्लास में सब जगह लगता है, ऐसा नहीं है यहीं पर लग रहा है, हर एक जगह जब क्लास में आप बैठ करके सामने में भी कर देंगे तब भी यह लंबा लगेगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं, हम जान के ज्यादा समय दे रहे हैं जो हर एक आयाम को हम समझाना चाह रहे हैं। अब जो लोग नहीं पहले पढ़े हुए हैं उन लोगों को कुछ हो सकता है लगे इसी में कर लेंगे, लेकिन आप उन स्ट्रेटजी को नहीं समझ लगते हैं, आप इस मेरे इस रणनीति को आप नहीं समझ, हम उस चीज को सर्टेन मान के चल रहे हैं जिस पर निश्चित प्रश्न आने की गुंजाइश, हम उस पर क्यों नहीं ज्यादा फोकस करें। अब तीरंदाजी हम बायोटेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अननेसेसरी टाइम दें, उससे संभव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 30% है, तो जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 60% है उस पर क्यों नहीं हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो यह स्ट्रेटजी होता है, यह आप लोग समझिए, अब अपने आप से ही मत समझने लगिए, आत्ममुग्ध मत होइए और अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होइएगा, कुछ लोग अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं जो सर समय बर्बाद कर रहे हैं, हम समय बर्बाद हम शौक से नहीं यहां पर कर रहे हैं, हम इतना चिल्लाते हैं, हम आपके लिए चिल्लाते हैं, आपको लाभ हो मेरा उद्देश्य यहां पर है, मेरा रिसर्च कराना उद्देश्य नहीं है, और रिसर्च में इतना से काम भी नहीं चलेगा, यह जो हमने बात बताया यह सारा प्रैक्टिकल बात हमने बताई है। अब किसी भी पॉइंट में आपको नहीं लग रहा हो प्रैक्टिकल बात है तो आप बताइए, आप एडमिनिस्ट्रेटर बहुत लॉलीपॉप नहीं है जो सर्विस जाकर के ले लीजिएगा, आपको एक पदाधिकारी बनाना है और कंपटीशन टफ है, जब तक आप बेहतर नहीं डालिएगा, चीजों की समझ बेहतर नहीं होगी तब तक नहीं बनेगा। हम रिसर्च वाला इसमें एक भी पॉइंट नहीं दिए हैं जो आपको लग रहा होगा जो हम रिसर्च कर रहे हैं, एक भी पॉइंट बताइएगा जो रिसर्च, सारी के साथ प्रैक्टिकल बातें हमने डाली। हाँ, प्रैक्टिकल वाले मैंने बहुत सारे डाले हैं, ऐसे डाल दिए हैं जो आप यदि इसी से, यदि आपका एक पॉइंट चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग आए तो आप लिखने की स्थिति में बन सकते हैं, तो इस चीज को समझिएगा। चलिए, बहरहाल हम लोग आगे अब दूसरे टॉपिक पर देखेंगे। ओके, थैंक यू।